क्या बोले नीलाव, मिश्रा जी पूरी वाले। लेकिन सही है, नाम तो अच्छा सोचा हुआ है, मिश्रा जी पूरी वाले। तो मिश्रा जी बनाएंगे अब इस तरीके से कचौरी, आप देख लो मटर की कचौरी बनाएंगे वो। चलो मेरा शूट करने जल्दी, बाद में तुम मिश्रा जी कचौरी वाले खोलना। जल्दी 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 जल्दी। हेलो माय लवली पीपल, क्या हालचाल। फाइनली एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आ गई हूँ मैं। और इस वाले व्लॉग में हम लोग करने वाले हैं मुंबई से जितनी भी चीजें मैं लाई हूँ वो सब दिखाने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इतना सारा चीज लेकर आई हूँ मैं, भर भर के। मतलब ले गई थी मैं एक बैग जिसमें दो चार कपड़े थे और वहां से लेकर आई हूँ मैं चार पांच बैग। मतलब सोच लो कितना सारा शॉपिंग हुई है हमारी। इतना सारा ज्वेलरीज कलेक्शन जो कि मैं मुंबई से लेकर आई हूँ, उसमें नाक का, कान का, मुंह का, गले का सब कुछ है भर भर के। अब ये सारे बॉक्सेस दिखा दो आप, ये देख लो टेंट्रेन। अब दिखा देती हूँ मैं ये सारे बॉक्स में ना इतने सारे ज्वेलरीज और यहाँ पे, ठीक है ओके। तो ये देख लो पर्ल वाला, इसको मैं पहन कर दिखाऊंगी तो टाइम नहीं लगेगा। चलो ठीक है मैं दिखा देती हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये देख लो पर्ल वाला जो कि मुझे सिर्फ 150 का या 200 का पड़ा है, समथिंग। ये पर्ल वाला पता है ये सूट पे या फिर स्लीवलेस जो होते हैं या ऑफ शोल्डर होते हैं उसपे बहुत ज्यादा प्यारा लगने वाला है, साड़ी पे बहुत खूबसूरत लगने वाला है। मुझे तो एक नजर में बस ऐसे देखी हूँ भैया वो कितने का है, पैक कर दीजिए बस, कुछ भी नहीं, कोई बार्गेनिंग नहीं। के साथ मिला मुझे एक इयर रिंग जो कि ऐसे सिंपल है। अब दिखाती हूँ मैं ये, और ये मुझे पड़ा है 250 का, लेकिन पता है कितना खूबसूरत है। 250 का ये मुझे पटना में तो कभी नहीं मिलेगा, मैं जानती हूँ कभी नहीं मिलेगा। दिखा दे इधर कितना ज्यादा खूबसूरत है यार, ये ना बीच वगैरह के लिए, ऑफ शोल्डर ड्रेस के लिए, बहुत सारी चीजों पे मैं इसे स्टाइल करने वाली हूँ। एंड मेरी वीडियोस में, मेरे इंस्टाग्राम फोटोज में आप इसे जरूर देखोगे। और इधर इसका इयररिंग देख लो आप, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये देखो घर में टंगा हुआ नहीं, जो लकड़ी का प्लाई का बनता है, इसमें टन 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 बजता है। ये ऑफ शोल्डर ड्रेस पे अभी मैं इस पे दिखा रही हूँ तो आपको शायद वो ना अच्छा लगे, बट ऑफ शोल्डर ड्रेसेस पे या स्लीवलेस ड्रेसेस पे या जिसके डीप नेक ड्रेसेस जो होते हैं ना जिसमें कि आपका क्लीवेज शो हो रहा है उसको कवर करने के लिए बहुत ही प्यारा है। आप कैसे समझोगे ड्रेसिंग सेंस एंड ये सारी चीजें, तो आप देखो कैसा लग रहा है। ये कुछ इस टाइप का है एंड इसका इयररिंग अब मैं दिखाती हूँ। ये पर्ल वाला जो कि ये मुझे 120 का पड़ा है, अभी मतलब मुंबई वाले वीडियोस देखो उसमें मैं यूज की हूँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसका भी क्वालिटी बहुत ज्यादा प्यारा है, नीलम अच्छा लग रहा ना। ये टेंशन, और ये पता है मतलब किसी भी वन पीस के लिए या नॉर्मल आप जब जींस टॉप भी पहनोगे ना उस पे ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और पता है ये हैंग करने वाला दूसरा था मुझसे टूट गया, क्यों बट ये टूट गया तो हम इसके जुगाड़ से ऐसे बना दिए पीछे हैंग करने के लिए। और ये कुत्ता वाला चेन इस तरीके से डालना है और खूबसूरत लगेगा। ये ऐसा सिंपल सा नेक पीस है जो कि बहुत ज्यादा प्यारा है। और ये ना नॉर्मल सिंपल कपड़े पे जो कि एक कलर का हो या फिर कलरफुल भी हो उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इस तरीके से बस हैंग करना है और कुछ नहीं, इसमें कोई इयररिंग नहीं है। ये मुझे पड़ा है 100 का, सोच रहा हूँ 100, 150, 200 तक में मुझे इतना अच्छा अच्छा मिल जा रहा है यार, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा अच्छा मिल रहा है। अब दिखाऊंगी मैं ये प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत है ये और बहुत ही सिंपल है, तो अब मैं खोल के दिखाती हूँ ये कैसा है। अब इसका इयररिंग देख लो, स्टोन्स लगाया है जो कि बहुत ज्यादा प्यारा है। एक सेकंड, अरे खुल जा भाई, खोलना ना बड़ा डिफिकल्टी काम होता है और वो भी तब जब आपके नेल भरे भरे हो। कैसा लग रहा है, तो ये बस बहुत ही सिंपल कोई भी कॉर्ड। ये इयररिंग गाइस अभी मैं जो दिखाने वाली हूँ वो अभी तक का सबसे ज्यादा महंगा है। ओहो कितना, गेस करो, पहले मैं दिखा दूँ उसके बाद गेस करना कि ये कितने का होगा। बट ये नेक पीस सबसे ज्यादा महंगा है अभी तक जो भी मैं परचेस की हूँ ना, वो 120, 150, 250 तक खत्म हो गया, मतलब उतना ही तक का है सब 100। लेकिन ये वाला नेक पीस बहुत ज्यादा महंगा है, अभी मैं दिखा रही हूँ। ये देखो अभी मैं कल इसे पहनी थी, पता है
एक साड़ी पे, और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था क्योंकि ये महंगा भी तो है। पास से दिखाना नीला। अरे ये टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, ये देखो आप, ये इस टाइप का है। एंड इसमें जो चमक है ना, इसमें जो लाइटनिंग है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अभी मैं पहनकर दिखाऊँ इसे एक बार, ट्राई है देखो गाइज, अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख लियो तो तो ये देख लो आप, बहुत ज्यादा खूबसूरत लाइन लग तो रहा पूरा है। करो, खूबसूरत तो लग ही रहा है, लाइन पूरा करो कि अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख ही लियो तो। आगे तो आगे भैया इसके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ये हम ही बोल रही है, नहीं बोलेगी, इसको कोई मतलब ही नहीं है। वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो, कमेंट में भी बता दो कि आपको कौन सी चीजें सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इयररिंग में दिखाऊं कितना खूबसूरत है इसका, इयररिंग देखो आप, मतलब ऐसे दिखाना, ये देखो इयररिंग कितना ज्यादा खूबसूरत है। मुझे मतलब छोटी चीजें एंड ज्यादा ताम झाम नहीं, वैसे चीजें बहुत पसंद है। वैसे ये अच्छे से दिख रहा है ना, अब आप बता दो। अच्छा इसका मैं प्राइस बताऊं, आप लोग पहले गेस करके कमेंट करो इसका क्या प्राइस होगा। 150 रुपया दिएगा। 150 रुपया देगा? 150 रुपया में तेरी कभी नहीं मिलेगा नीला, कभी भी नहीं। 400 का। आप और गेस करो, और गेस करो आप, चलो आप भी गेस कर दो, मेरे व्यूवर्स की तरफ से आप खुद गेस कर लो, चलो 550। और गेस करो, 650। और गेस करो। 200 रुपया। मुफ्त में दे रहे हैं तुमको, रख लो, लेकिन प्लीज इसकी बेइज्जती मत करो। 1,000 का होगा लमसम। 1,000 से ज्यादा का नहीं होगा, 1,000 से ज्यादा का होगा तो और फिर गेस बेकार करो, है। और गेस करो, 1,500। और गेस करो, 2,000। और गेस करो। हाँ तो पैसा उड़ाए लो फिर, फालतू का पैसा उड़ा लो साला, उससे बढ़िया तो हम सोना ही खरीद फालतू का लेंगे। नहीं नीला, सोना 2,200 हमें बता दिया। 200 रुपया का है, अरे वाह, तो 2,200 का, अपने मुंह से बता दी ये कि 2,200। 2,200 का है और इसका लाइट नहीं जाएगा। वो नहीं जाएगा यार, बहुत ज्यादा प्यारा है, ऐसा रूई में क्यों कवर किया हुआ है तो? ताकि इसका लाइट नहीं जाए। और एक चीज मैं आप लोगों को भी बताती हूँ, आपके पास जो भी महंगी ज्वेलरीज है, सस्ती ज्वेलरीज है, कैसा भी हो, आप ऐसे डब्बे में करके एक रूई का एक नीचे लेयर लगाओ, उसके ऊपर ज्वेलरीज रखो, ऊपर लेयर रुई का डालो, उसके बाद रखो, बहुत दिन तक चलेगा और कुछ भी लाइट नहीं जाएगा, बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, इस टाइप के महंगे ज्वेलरीज में। बाकी आप ऐसे रैप करके भी रख सकते हो, तब भी ठीक रहेगा। और ये तो मैं दिखाई नहीं, ये है हाथ में पहनने वाला, जो कि इस तरीके से बस पहनना है। अरे भाई मेरे को लगा ना ये अभी पीला हो गया, बट पीला नहीं हुआ, ये वैसा ही कलर है। ये देखो आप, टिंटिन टिंटिन टिंटिन। और बताइए, ये जब मैं बंजारा शूट के लिए जाऊंगी ना, मैं गई थी तो पता नहीं इसे पहनना भूल गई थी, बट मैं नेक्स्ट टाइम अगर बंजारा शूट करती हूँ तो मैं इसे जरूर पहनूंगी। और ये मुझे पड़ा 100 रुपीज का, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये है पता है क्या, छोटू सा ब्रेसलेट हाथ में पहनने वाला, जो कि मेरा सब कुछ प्यारा है, तो मैं प्यारा ही बोलूंगी ना, मेरा सब कुछ प्यारा है, इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना। मेरे हाथ तेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं। आगे आगे आगे, जरा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। ये देख लो आप, ये मुझे पड़ा, इसमें ना स्टोन्स लगे हैं, इसमें बहुत ही लाइटनिंग है, शाइनिंग बहुत अच्छा है और क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये मुझे 250 का पड़ा है और इसे मैं अभी तक 3-4 बार पहन चुकी हूँ। ठीक है, और ये गोल्डन है, मैं खोल कर नहीं दिखाऊंगी, आप इधर पास में करना नीला। ये गोल्डन है, मैं सेम वैसा ही ली हूँ, एक सिल्वर में एक गोल्डन में, ताकि अगर गोल्डन ड्रेस का कोई कपड़ा हो तो आप उस पर ये पहन लो, और सिल्वर ड्रेस का कोई कपड़ा हो तो उस पर ये पहन लो। दोनों मुझे 250-250 का पड़ा है। अब मैं दिखाती हूँ अपना गोल्ड ज्वेलरी, जो कि गोल्ड नाम का है, वो रियल गोल्ड नहीं है, रियल गोल्ड भी दिखाऊंगी जब मैं लूंगी तब। ये मछली वाला देख लो कितना प्यारा लग रहा है, प्यारा लग रहा है मछली मछली। हर एक और है मेरे पास नीलम, ये भी दिखाना आप पास से। अरे भाई सीधा तो हो जा, ये देख लो आप, ये भी गोल्ड ही है, दो में गोल्ड का ली थी, और ये भी मुझे 100 या 150 के अराउंड ही पर है। सोना का दाम इतना सस्ता कब से हो गया भाई? जब से शिल्पी राज खरीदने लगी। शिल्पा बोलते क्या? इस डब्बे को मैं रखती हूँ साइड, क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें थी, और पता है ये डब्बा भी मैं मुंबई से लेकर आई हूँ, जो कि 6 boxes है इसमें। आप इस टाइप का डब्बा बिल्कुल लेना, ये मुझे 100 का पड़ा है। डब्बा खाली 100 रुपए का पड़ा है यार, बहुत अच्छे क्वालिटी के डब्बे हैं ये। ये गिर के टूटने वाला डब्बा नहीं है कि गिरा और फट गया, वैसा नहीं है, 100 का पड़ा है। ऑनलाइन पता है ये 250 या 180 समथिंग का पड़ता है, तो मुझे 100 में बहुत ही अच्छा मिल गया। बस इस तरीके सारे बड़े बड़े ज्वेलरीज रख लो आप,
एंड इसको साइड कर दो, बहुत ही सेफ रहेंगे। अब मैं दिखाती हूँ ये छोटे वाला डब्बा, जो कि मैं ये वाला जब ली थी ना, जो 2200 का मैं सेट ली थी उस पर ये मुझे डब्बा मिला था। अब मैं पहनूंगी नहीं, बस आप लोगों को दिखाते जाती हूँ। ये है मेरा सिंपल, जो कि मैं डेली वेयर के लिए ली हूँ इस टाइप का, ताकि आप बस ऐसे पहन लो और निकल जाओ जींस पे, सूट पे, जैसे भी पहनना है, कुर्तीज पे। और ये हो गया मेरा दूसरा, अरे भाई अच्छे से रहो ना, ये हो गया मेरा दूसरा, ये बटरफ्लाई बना हुआ है। हाँ बटरफ्लाई बना है, और इसमें दो ना ऐसे, अरे ये टेढ़ा हो गया, ये भी ऐसे पहनो और निकल जाओ। ये देख लो थ्री लेयर वाले चेन, ये किस लिए खरीदी थी? ये पहनने के लिए। नहीं नहीं, किस किस पर्पस के लिए? कैजुअल वेयर के लिए। देख लो कैसा लग रहा है, इसके नीचे ऐसा बना है, ये चेन है और ये सिंपल चेन है, ठीक है ऐसा है। इसको मैं साइड करती हूँ, अभी तक मैं तीन दिखा दी आप लोगों को। अरे आप लोग कमेंट करके बताओ ना अभी तक कौन सा अच्छा लगा। एंड ये मेरा फोर्थ वाला, जो कि ये बहुत प्यारा है, और ये भी मैं अभी दो तीन बार पहन चुकी हूँ, प्यारा है ना नीला, ऐसे ये गले में ना चिपक जाए। मुझे सटा हुआ बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज्यादा लटका हुआ पसंद नहीं है। तो अगर आपको लटका पसंद है तो ढीला पहन सकते हो, सटा हुआ पसंद है तो टाइट कर लो, आपके ऊपर है। सब मुझे पड़ा है 100 का, आप ये देख लो, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, एंड ये सब मुझे 100 का पड़ा है, जो कि बहुत ज्यादा प्यारा है। एंड क्वालिटी वाइज और साइन वाइज बहुत अच्छा है, लोकल नहीं दिख रहा है कोई भी, बहुत ही चीप नहीं दिख रहा है। और ये देख लो इन्फिनाइट का, प्यारा लग रहा है ना, सिंपल जींस पे पहनो निकल जाओ। तो ये हो गया सारा इस बॉक्स का, और मैं बाद में पैक करूंगी यार, वरना वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, फिर आप लोग देखोगे नहीं, छोड़ के भाग जाओगे। अब दिखाती हूँ मैं अपना इयररिंग का कलेक्शन, कि मेरे पास कितने सारे इयररिंग है, ज्यादा तो नहीं है बट फिर भी है अच्छे खासे। चलो दिखा, मैं खोलती हूँ। इतना प्यारा इयररिंग है, एंड मुझे एक नजर में ये भी पसंद आ गया था, ये भी मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 100 का, क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा प्यारा है। इसको मैं साइड करती हूँ, और ये देख लो गोल मटोल सा प्यारा सा हमारा छोटू, ये भी इयररिंग है जो कि बहुत ज्यादा प्यारा है, एंड मैं इसे एक बार पहन चुकी हूँ। आप कितना प्यारा है, गोल्डन कलर का है, और ये मैं अभी एक बार भी नहीं पहनी हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत है यार। देख रहे हो मेरे इयररिंग का कलेक्शन, आप देख रहे हो, जल्दी बताओ। ये इयररिंग देख लो आप, ये सब ना बहुत ज्यादा स्टाइलिश है, सूट पे, जींस पे, वन पीस पे, सब पे चलेगा, मैं ऐसा ली हूँ, एंड बहुत ज्यादा खूबसूरत है, सब मुझे 100 का पड़ा है। जितना मैं झुमका का कलेक्शन दिखाती हूँ, ये भी मुझे 100 का पड़ा। उसके बाद मैं दिखाती हूँ ये गोल्डन वाला इयररिंग, जो कि आप देख लो कितना प्यारा लग रहा है, एंड सबका क्वालिटी बहुत ज्यादा सुंदर है, और ये बहुत ही कलरफुल सा है, ये देख लो आप, बहुत ही कलरफुल सा है, इसमें ना पर्ल भी दिए हैं, इसमें राइमस्टोन भी दिया हुआ है, एंड बहुत ज्यादा प्यार है, गोल्डन है, 100 का ही पड़ा मुझे। अब मैं ये सब दिखाती हूँ जो कि सिल्वर कलर का है, सारे झुमकेज हैं। देखो ये वाला जो है ना वो पीकॉक स्टाइल का, ये मुझे 30 का पड़ा, ये मुझे 30 का पड़ा, जो कि बहुत ज्यादा प्यारा है, ये भी मुझे 30 का पड़ा, आप देख रहे हो डिजाइन कितना सुंदर है, एंड 30 का कितना, 30 रुपये में क्या मिलता है यार, 30 रुपये में ऐसे झुमके मिलते हैं मुंबई में, दिल्ली में, आप जाओ खरीद कर लाओ ढेर सारा, अगर जरूरत हो तो, फालतू में मत जाना। एक कान में पहनने वाला है, जो कि पता है पूरा कैसे पहनू मैं, ऐसे ये पूरा ऐसे आता है, मतलब ये पूरा ऐसे आता है, ठीक है, इस तरीके का है, एक कान में पहनने वाला, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है वाला। तो आप देख लो ये बॉक्स भी मैं मुंबई से लेकर आई हूँ, जो कि मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 70 या 60 रुपीज में, और ये इसमें भी ना 6 बॉक्स बने हुए हैं, और हर बॉक्स में आप, ये छोटे छोटे बॉक्स है, ये बड़े थे, इसमें जूलरीज रख सकते हो, मतलब गले का सेट ये सब रख सकते हो, और इसमें सारा इयररिंग रख लो, सब कुछ, रिंग रख लो, इयररिंग रख लो, नाक वाला रख लो, कान वाला रख लो। अब दिखाती हूँ मैं ये, तो ये बॉक्स, ये है, ये सब मैं बंजारा स्टाइल के लिए ली हूँ, या फिर ऐसे भी इस टाइप से पहनो, देख लो, हाँ मेरे बाल में फंस गए, तो ये देख लो, ये मुझे पड़ा है 100 का,
एंड एक अभी तक में मेरे सारे ज्वेलरी में सिर्फ एक ही लंबा दिख रहा है, क्योंकि सोची चलो एक लंबा तो रखना चाहिए, अगर आप गले में सटा पहनते हो कुछ वैसा स्टाइल करते हो तो एक तो लंबा होना चाहिए आपके पास। तो अभी तक में मेरे पास जो लंबे में है वो एक यही है, जो कि मुझे 100 रुपीज का पड़ा है। बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है मुझे, इसे मैं कब पहनूंगी पता नहीं, बट कभी ना कभी तो पहनूंगी। आप देखो कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, और इसमें दिखा दो, इसमें देख लो आप, ये देखो आप, ये मुझे 100 का पड़ा, जो कि नेक पीस है, मैं वैसे ही रखते जाती हूँ, ठीक है। और ये सब पहले के हैं, ये मुझे 100 का पड़ा, जो कि टूट भी गया यार, एक बार ही पहनी, ये पता नहीं ये मेरी गलती थी टूटने के पीछे, तो टूट गए तो टूट गए, कोई बात नहीं, वैसे ही पहनेंगे। और ये मेरा इयररिंग, ये मेरा रिंग, फिंगर रिंग, इयररिंग नहीं, ये मतलब इसके बिना मेरा शॉपिंग अधूरा है। ये रिंग देख लो, ये रिंग देख लो, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं एक और रिंग ली थी और वो मेरा खो गया। वैसे ये एक रिंग जो मेरे पहले का है, तो आप किसमें दिखाऊं मैं पहन के, आई हाई, तो ये देख लो, मुझे रिंग का बहुत ज्यादा शौक है यार, बहुत ज्यादा एक्सेस वाला। हाँ ये रिंग था ना, मैं बोली तो एक रिंग और था, वो खो रहा है, देखो ये एक रिंग है, ये भी बहुत ज्यादा प्यारा है, ऐसे क्रिस क्रॉस बनाया हुआ, आप इधर से भी पहन सकते हो, इधर से भी पहन सकते हो, किधर से भी पहन सकते हो, वो आपकी मर्जी। एंड ऐसे वाले बॉक्स आप देख रहे हो, मैं सब कुछ बॉक्स में करके ऐसे ऑर्गेनाइज रखी हूँ ताकि मेरी कोई भी चीजें खराब ना हो। और इसमें कुछ नहीं है यार, इसमें ना फालतू फालतू चीज है, इसका निलाव एक तोड़ भी दिया गलती से, इसमें ना मेरे सारे क्लिप्स है, जूरा पिंस है, सेफ्टी पिन है, क्लचर है, क्लचर तो भरे पड़े थे, सब खो जाता है मेरे से, टूट जाता है सारा क्लचर, क्लचर है, यही सब है। चलो तो वीडियो करते यही पैंट, बहुत सारा सामान दिखा दी मैं, अपना ज्वेलरीज कलेक्शन दिखा दी, इयररिंग वगैरह सब कुछ, आपको कैसा लगा जल्दी कमेंट सेक्शन में बताना, और कौन सा सबसे अच्छा लगा वो तो जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि अभी ही खत्म नहीं होता है मुंबई का व्लॉग, मतलब मुंबई का जो सामान में लाई हूँ उसका व्लॉग यही खत्म नहीं होता है, अभी बैग्स दिखाने हैं, डेकोरेशन का सामान दिखाना है, तो और भी चीजें, यूनिक यूनिक चीजें दिखानी है, तो उसके लिए आपको पार्ट 2 देखना होगा। वीडियो को लाइक कर दो, बाय बाय।